फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ हिमालय कंपनी की ब्रेसोल टैबलेट के बारे में। यह मेडिसिन काम आती है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ हिमालय ब्रेसोल टैबलेट के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में रखी है एक छोटी सी डिब्बी जिसमें कुल मिलाकर के 60 टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं। पास से मैं आपको दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से इसकी स्पेलिंग आपको समझ में आएगी, हिमालय ब्रेसोल। बात करें यदि इस मेडिसिन से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में, तो फ़ायदे समझने के लिए सबसे पहले हम जानकारी करते हैं इसमें मिलाए गए इंग्रेडिएंट्स की। इसके फॉर्मूलेशन को देखने से जानकारी मिलती है कि इसके अंदर मेन जो इंग्रेडिएंट है वह रहता है हरिद्रा अर्थात हल्दी, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एलर्जिक तत्व होता है। उसके अलावा तुलसी इसके अंदर मिलाई गई है, वासा इसके अंदर मिलाया गया है, त्रिफला, त्रिकटु, विडंग इसके अंदर मिलाया गया है, मुस्तक का प्रयोग किया गया है, नाग केसर इसके अंदर मिलाई गई है, छोटी इलायची इसके अंदर में मिलाई जाती है। तो कुल मिलाकर के जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट आते हैं, तुलसी, हल्दी और त्रिकटु, ये तीन द्रव्य ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह की एलर्जी को बॉडी में कम करने का काम करते हैं और बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ये रखते हैं। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस ब्रेसोल टैबलेट से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में, किन किन रोगों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसका जो मेन इंडिकेशन है वह है एलर्जिक राइनाइटिस और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। इनका क्या मीनिंग हुआ? इनका मीनिंग होता है कि ऐसे लोग जिनको मौसम बदलने पर थोड़ा सा भी मौसम में परिवर्तन हुआ, थोड़ी सी भी धूल मिट्टी उनको लग गई, कोई फूल इत्यादि उन्होंने सूंघ लिया, तो ऐसी एलर्जी के कारण जिनको जुकाम हो जाता है अथवा खांसी पैदा हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आप इस हिमालय ब्रेसोल टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। एलर्जी लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को अचानक चलने वाली आंधी से एलर्जी हो जाती है, कुछ लोगों को खेतों में जब गेहूं निकलता है या धान निकलता है तो उसके कारण जो गुबार उठता है धूल का, उससे एलर्जी हो जाती है, कुछ को बारिश के बाद में। तो किसी भी तरह की एलर्जी से यदि आप परेशान हैं और राइनाइटिस या ब्रोंकाइटिस आपको हो जाती है एलर्जी के कारण, तो आप सेवन इसका कर सकते हैं। उसके अलावा नॉर्मल जुकाम की समस्या, नॉर्मल खांसी की समस्या में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यह जो है आपके साइनस को क्लियर करने में हेल्प करती है। यदि साइनस में थोड़ा बहुत कफ भरा हुआ है, साइनोसाइटिस आपको हो गई है, ऐसी कंडीशन में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। लगातार छींके आने की कंडीशन में भी यह हिमालय ब्रेसोल आपको लाभ पहुंचाती है। छोटी मोटी खांसी की समस्या, लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लामेशन आ रही है, ब्रोंकाइटिस बन रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा यह एक अपने जो कॉम्बिनेशन है उसके प्रभाव भेद से पूरी ही बॉडी के लिए एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन का भी काम करती है। तो छोटे मोटे इन्फेक्शन में भी, इन्फेक्शन को जल्दी रिकवर करने के लिए इस हिमालय ब्रेसोल का आप सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं इस मेडिसिन की सही डोजिंग के बारे में। तो जो छोटे बच्चे हैं, लगभग 2 साल से छोटे, उनको यह आपको नहीं देना चाहिए, और देना है तो एक बारी पहले अपने आयुर्वेदिक वैद्य से आप उसके लक्षणों के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से इसकी सही डोजिंग की जानकारी कर लीजिए। यदि बच्चा 2 साल से बड़ा है और 5-6 साल तक का है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को चौथाई से लेकर आधा टैबलेट तक आप दे सकते हैं। टैबलेट को आप पीस लीजिए, एक टैबलेट को पीस कर उसकी 4 आप खुराक बना लीजिए और दिन भर में 4 बार आप उसको दे सकते हैं, एक खुराक एक बारी में शहद के साथ मिला करके। 5 साल से अधिक आयु के बच्चे, 14 साल तक की आयु में, उनको एक एक टैबलेट दिन में आप 2 बार दे सकते हैं। यदि बच्चा साबुत निगल सकता है तो साबुत दे दीजिए, अथवा उनको जो है आप इसको पीस कर दे सकते हैं। 14 साल से अधिक आयु में और नॉर्मल एडल्ट इंसान के लिए इसकी 2-2 टैबलेट दिन में कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक 4 बार सेवन करना जो है सही डोज इसकी बैठती है। स्टार्टिंग में यदि आप ले रहे हैं तो केवल 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार ही आप लीजिए। गुनगुने गर्म पानी के साथ में आप ले सकते हैं। पीस कर यदि आप खा रहे हैं इसको, तो आप शहद में मिलाकर खा लीजिए, उसके बाद में आप गुनगुना गर्म पानी पी सकते हैं।
इस मेडिसिन के सेवन काल में आपको ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि आप इसको एलर्जी की समस्या में सेवन कर रहे हैं, जुखाम की समस्या में, खांसी की समस्या में यूज़ कर रहे हैं, तो ठंडी तासीर वाली चीज़ें जैसे कि मूली, चावल, दही इत्यादि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और बहुत ही सात्विक भोजन, ताज़ा बना हुआ भोजन, ऐसा भोजन जिसके बनाने में अजवाइन, अदरक, काली मिर्च, पिपली इत्यादि जड़ी बूटियों का यूज़ किया गया हो, खाने में इनको प्रयोग किया गया हो, उस भोजन को आपको ग्रहण करना सर्वथा उचित रहता है, सबसे ज़्यादा लाभकारी रहता है। फ्रेंड्स, लास्ट में हम बात करते हैं इस मेडिसिन की प्राइसिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 60 टैबलेट्स की यह पैकिंग रहती है और इन 60 टैबलेट्स की जो कॉस्ट है 130 रुपीज़, अर्थात 130 रुपये आपको कॉस्ट करती है। प्रत्येक टैबलेट आपको लगभग 2 रुपये 15-17 पैसे की पड़ती है। आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से भी यह मिल जाती है, हिमालय के अपने पर्सनल काउंटर से आप इसको ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हिमालय ब्रेसोल के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन आप दबा लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। मैं बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।